अगर आप नीट 2025 में नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दें, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले हमें उस एग्जाम के बारे में फुल डिटेल में नॉलेज होना जरूरी है, जिससे कि हम लोगों को सारी की सारी बातें पहले से पता होंगी तो एंड टाइम पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो नीट एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एग्जाम है, कितने कौन सी भाषा में आता है, ऑफलाइन होगा, क्या एज लिमिट है, क्या अटेम्प्ट होंगे, कितनी फीस जाएगी, कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट नीट एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों को हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करना, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग MBBS करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या मान लीजिए BUMS, BDS या BAMS कोई सा भी इस तरीके के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या काम करना होगा, एक एग्जाम है, एक परीक्षा का नाम है जिसको हम बोलते हैं नीट, ठीक है। ये एक नीट एक एग्जाम है, ठीक है, जिसको कंडक्ट कराते हैं NTA, ठीक है। लेकिन आपको बता दें 2024 में NTA पर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, पेपर लीक करने का भी आरोप है, पेपर का जो रिजल्ट जो है रिजल्ट में गड़बड़ करने का भी आरोप है। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि अगले साल से NTA एग्जाम नहीं कराएगा, कोई दूसरी और कोई कराने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोगों को बता दें NTA में कुछ घपला, बहुत सारे लोगों ने प्रूफ करके भी दिखाया कि इस बार घपला हुआ है। तो उस टॉपिक पर ना जाते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगर आप लोग जैसे मान लो UP से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तमिलनाडु से हैं, असम से हैं, ठीक है ना, पंजाब से हैं, तो आप लोगों को बता दें हमारे इंडिया में ये जो पेपर है ये 13 भाषाओं में होता है। जब आप नीट एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो उसी समय आपके पास ऑप्शन आता है अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने का। अगर आप इंग्लिश में सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आप लोगों का जो पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ये बात ध्यान रखना, अगर आप अदर किसी लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो पेपर है, ठीक है, ये कैसे भरा जाएगा, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, तो आप लोगों को बता दें ये फुली ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन ही आप लोगों का जो फॉर्म है ये भरा जाएगा, ये आप लोगों को बातें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम आपके एग्जाम की। तो ये जो एग्जाम है, एग्जाम की एक छोटी सी विशेषता सुन लीजिएगा, वो विशेषता ये है कि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होता है, पेपर पेन पेपर मोड में होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये बातें निकल कर आ रही हैं कि पेपर, जैसे कि पेपर लीक होने की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हुआ करेगा, ठीक है, CBDT टेस्ट हुआ करेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ करेगा, जिससे कि पेपर लीक होने की संभावना कम से कम कराई जा सके। तो अगर आप लोग ऑफलाइन मोड में तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की ये विशेषता होनी चाहिए कि अगर आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है तो आप उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर पाएं। तो ये आप अपने माइंड में डाल के चलिएगा कि आप लोगों का जो पेपर है अभी तक तो ऑफलाइन होता है, लेकिन अगर ऑनलाइन हो जाता है बाई चांस तो भी आप लोग आराम से पेपर दे पाएं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो अगर आप लोग 17 वर्ष के हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से नीट एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। और आपकी एज लिमिट अगर बात करें, जैसे मिनिमम थी मैक्सिमम की बात करें, तो अगर आप लोग 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, ठीक है, 28 साल के हैं, 70 साल के हैं, 100 साल के हैं, तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, मतलब ऊपर की कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। बात करें अगर हम सिलेबस की, तो सिलेबस में आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आने वाले हैं। फिजिक्स आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग आप लोगों को टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपके 200 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चंस में से आप लोगों को क्या काम करना होगा कि इसमें 180 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, जिसमें कि हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के सेक्शन में बटा हुआ होगा कि आपका ए सेक्शन जो होगा उसमें 35 क्वेश्चंस करने होंगे, सारे क्वेश्चंस करना आपके अनिवार्य होंगे, जबकि सेक्शन बी जो होगा उसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि 15 में से 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। आपको बता दें टोटल आपका जो पेपर होने वाला है वो 720 मार्क्स का होगा। और आप लोगों को बता दें अगर आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 650
प्लस नंबर लाना तो आप लोगों के लिए अनिवार्य है। इतने नंबर तो लाने ही होंगे तभी आप लोगों को अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। बात करते हैं कि आप लोगों का इंटर में कितने परसेंट होने चाहिए जिससे कि आप नीट एग्जाम में बैठ पाएं। तो आप लोगों को ये जानकारी हैरानी होगी कि अगर आप लोग जनरल के हैं तो आप लोग आराम से 50% भी ले आएंगे तो भी आप लोगों का चल जाएगा। एससी एसटी वाले 40% है तो भी आप लोगों का चल जाएगा, ठीक है। अगर बात करें हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की के कितने अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं, तो आप लोगों को बता दें पहले तो कोई अटेम्प्ट्स की बात नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि क्योंकि पेपर में 20 लाख 25 लाख 26 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, तो आपको बता दें अब हो सकता है कि विचार किया जा रहा है कि आपकी लिमिट रखी है कि 3 बार या 4 बार आप लोग दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक अगर आप बात करें तो अभी तक कोई ऐसी लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स फिलहाल तो ऐसी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। बात करें बोर्ड्स की तो आपका कोई सा भी बोर्ड्स क्यों ना सही, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड हों, ठीक है, या फिर मान लो आईसीएसई बोर्ड से हों, या एनआईओएस से हों, या ओपन स्कूल बहुत सारे होते हैं, किसी से भी हों, हर एक बच्चा अब नीट एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है, पेपर दे सकता है और आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। बात करें कि अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी फीस क्या जाने वाली है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का कोई भी बच्चा है तो उसको 1700 रुपये देने पड़ेंगे, ओबीसी का है तो उसके 1600 रुपये देने पड़ेंगे, एससी एसटी का है तो उसे लगभग 1000 रुपये देने पड़ेंगे, और कोई एनआरआई है, कोई मतलब विदेशी व्यक्ति है वो पेपर देना चाहता है तो उसको 9500 रुपये उसको फीस देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फीस है ये आप लोगों की देनी पड़ेगी। आप लोगों को बता दें बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं क्या सर इसमें कुछ मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या, तो आप लोगों को बता दें इसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होती है, तो इसलिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस करें तो ध्यान से आप लोग उसे पढ़ें समझें, उसके बाद ही आप लोग उसका आंसर दें, क्योंकि अगर आप लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चंस नेगेटिव कर देते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नेगेटिव होने के कारण आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपको बता दें अगर आप लोगों एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप लोगों को 4 मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब 4 नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप लोगों का एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका एक नंबर काट भी लिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पेपर को स्किप मतलब क्वेश्चन को स्किप कर दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो ना ही उसका एक नंबर बढ़ाया जाएगा और ना घटाया जाएगा, मतलब 0 पर रहेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सीखने को मिला कि नीट इंफॉर्मेशन की पूरी मैंने आप लोगों को बता दी है। आपके मन में ये चल सकता है कि हमको सर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी आपके मन में आ सकता है। तो आपको बता दें अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो कम से कम आपको नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 8 से लेकर 10 घंटे तो आप लोगों को पढ़ने ही चाहिए। आप लोगों को बता दें बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर हमको कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो मैं एक सिंपल सा मेथड बता दे रहा हूँ कि मॉर्निंग के टाइम में आप लोगों को बायोलॉजी को पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में हमको लर्न करने की पावर बहुत अच्छी होती है, तो आप अच्छे तरीके से आप बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं। आप दोपहर के साइड में आप लोग क्या काम कर सकते हैं, बड़े आराम से आप केमिस्ट्री वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं, और नाइट में आप लोग न्यूमेरिकल वाला पोर्शन सबसे अच्छा किया जाता है, माइंड जो होता है बहुत क्रिएटिव तरीके से चलता है, तो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो सबसे लास्ट में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का आराम से हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कितने घंटे आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अपने सिलेबस को लगभग दिसंबर तक या जनवरी तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद का जो आप लोगों का समय बचता है उस समय में आप प्रॉपर अच्छे तरीके से नीट एग्जाम के मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के टेस्ट आप लोग लगाइएगा, जिससे कि सेल्फ एनालिसिस किया जा सके कि हम पर कौन से क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल्स हमसे हो पा रहे हैं, कौन सा डायग्राम वाले क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों का आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। जो हो जाए वो अच्छी बात है, जो ना हो तो उसको आप लोगों को क्या काम करना होगा, अच्छे तरीके से फिर से आप लोगों को जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करते हुए अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जब तक प्रैक्टिस करिए कि आपका मॉक टेस्ट में कम से कम आप लोगों का 680-690 आपका स्कोर ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखते हुए चलते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी और नीट एग्जाम आपका आराम से क्लियर हो जाएगा।